या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 559। माय वाइज इन द मॉर्निंग इन नॉर्थ वेस्ट जमात खाना ऑफ लंदन। याली मदद, सतगुर कह रहे दिल माहे देवल पूजिए, अने दिल माहे देव द्वार, दिल माहे साया आपे वसे, अने दिल माहे आपे दीदार रे, भाई दिल माहे आपे दीदार। मौलाना हाजर इमाम पिस्तल बात को सॉरी, मोमिनों हम लोग इस्माइली हैं, कभी बैठ के एकांत में बैठ के कोई खलल न होवे, कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस न होवे, अपने दिल में सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया। आदमी को अपने जीवन का स्टॉक लेना चाहिए। हम जिस तरह से अपने बिजनेस का स्टॉक लेते हैं हर साल, हर महीने, कितना माल है, कितना आया, कितना गया, हमारी जिंदगी का भी कुछ स्टॉक है, और वो स्टॉक है हमारे गुनाह, हमारी नेकियां। हम इंसान हैं, इंटेलिजेंट है, खुदा ने हमें बख्शिशें दी हैं, और इन बख्शिशों में सबसे बड़ी बख्शिश जो इंसान के पास है तो वो उसकी सोच विचार है। हम जिसको इंग्लिश में नॉर्मली इंटेलिजेंस कहते हैं, इंसान सोचने वाला जानवर है। जानवरों के अंदर सोच विचार नहीं, लेकिन इंसान में है, और अपना राइट रॉन्ग समझता है। पीरों के ज्ञान के अंदर हमें इस किस्म की बहुत सी बातें मिलती हैं। अब मैं जो ये आपको कह रहा हूं कि हमें बैठ के सोचना चाहिए, तो पीर के ज्ञान के आधार से आपको बोलता हूं। कहो रे जीव तमें, पीर सदरगिन कहते हैं, कहो रे जीव तमें किस कारण आया जी, मुझे बताओ। फिर कहते हैं कि तुम इस दुनिया में क्यों आए, तो हमें पता लगेगा कि हम दुनिया में आए नहीं हैं, भेजे गए। किसी भी इंसान को पूछो कि तुम्हें पैदा होने से पहले पूछा गया था कि तुम हमको जन्म देवे, बिल्कुल नहीं। न हमें इस दुनिया में आने के लिए पूछा गया, और न हमें पूछा जाएगा कि तुम्हें मरना है। ये जन्म और मौत दोनों हमारे हाथ में नहीं है। आप एक डोरा लो, एक सिरा इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, स्ट्रेच करो। अगर ये दो स्ट्रेच आपके हाथ में हैं, तो ये सारा डोरा आपके कब्जे में है। हमारी जिंदगी के ये दो जो छेड़े हैं, पैदाइश और जो मौत है, तो इसके दरमियान में बाकी क्या है कि जो हमारे हाथ में है। फिर भी हमको खुदा ताला ने थोड़ी इजाजत दी है कि अगर इसको स्ट्रेच किया है तो सीधा है,
जरा इसको नजदीक ले आओ तो ढीला हो जाएगा, ये डोरा ढीला हो जाएगा, इधर से या इधर से गिर जाएगा, और ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो लूप बन जाएगी। खुदा ने हमें जो अक्ल दी है उसके अंदर से बहुत सी चीजें हम निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, और ये हमें जरूर जानना चाहिए। हर वो आदमी के जो खुदा को मानता है, हिंदू मुसलमान ईसाई बुद्धिस्ट वगैरह, जो कि बुद्धिस्ट खुदा को नहीं मानते, सॉरी मैंने खामखा नाम ले लिया, जैन भी खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी तमाम मजहब जो खुदा को मानते हैं वो ये बात भी मानते हैं कि हमको मरना है। मगर वो लोग के जो खुदा को नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं। मौत है वो यूनिवर्सल चीज है। खुदा को ना मानने वाले भी मौत को मानते हैं। ये एक ऐसी चीज है खुदा ने इंसान को दी हुई कि जिसके लिए इंसान अगर सोचे कि मुझे इस दुनिया में से एक दिन तो चले जाना है, ये मेरा टेम्परेरी अबोर्ड है, इस चीज से फिर हमको क्या पता लगता है कि मुझे जाना तो है, तो फिर इस दुनिया की हाय हुए क्यों? क्यों मैं अपनी सारी जिंदगी खराब कर रहा हूं उस चीज के लिए कि जो मेरे पास हमेशा रहने वाली नहीं है? पीर के एक और ज्ञान के अंदर एक बड़े अच्छे तरीके से यही बात समझाई गई है। पीर कहते हैं कि जिस जगह तुमको रहना ही नहीं उस जगह दिल लगाने की बात क्या है। मैं चार दिन हुए लंदन में आया, आज मेरा सफर है, मैं अफ्रीका जा रहा हूं। मुझे तो पता ना कि आज मुझे जाना है, तो अगर आज कोई आदमी मुझे ये कहे कि ऐसा करो तैसा करो, घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे, तो मैं कहूंगा सॉरी फलाने टाइम पे मेरी फ्लाइट है, मैं उसकी बात कबूल करने को तैयार नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे जाना है। अगर इंसान को यह ख्याल रहे कि मुझे एक दिन मरना है तो उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होती, सॉफ्टनेस पैदा होती है। मौत की समझ आने से इंसान के दिल के अंदर त्याग की, त्याग यानी किसी चीज से रिनन्सिएट होना, इंग्लिश में जो लफ्ज है ना रिनन्सिएशन, किसी चीज को छोड़ देना, जैसे कि किसी आदमी ने शराब छोड़ दी, किसी ने जुआ छोड़ दिया, लुचाई बदमाशी छोड़ दी, इस तरह से हमारा दिल अगर ये हमें याद होवे कि मुझे मरना है तो मौत की के जो कॉन्शियसनेस है उससे हमारा दिल सॉफ्ट होता है। एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि मौत का कोई टाइम नहीं, ऐसा लाजिम नहीं कि आदमी 50 बरस का ही मरेगा, ऐसा लाजिम नहीं कि 100 बरस होकर फिर ही मरेगा। अरे मां के पेट में से मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। ये जो मौत की कॉन्सेप्ट है और मौत की फिलॉसफी है हर आदमी को समझनी चाहिए, इसलिए कि इबादत का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मौत। मेरी एक वाइज है, मैंने टोरंटो के एयरवेज जमात खाने में की थी 85-86 में। मैंने उसमें जमात को यह बताया, मेरी वाइज का टाइटल था प्रोसेस ऑफ डेथ, मौत किस तरह आती है। ऐसा नहीं है कि हार्ट बंद हो गया मर गया, नहीं, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हार्ट बंद होने से कोई आदमी मर नहीं जाता, नहीं, उसका जीव अंदर है, हार्ट बंद हो गया बाहर का कनेक्शन टूट गया बस, लेकिन जीव अभी तक उसके अंदर है। ऐसा भी हुआ है कि इंसान के अंदर सर्टिफाइड हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी पैथोलॉजिकल डेथ हो गई, लेकिन अंदर जीव है, कुछ अरसे के बाद वो फिर रिवाइव होता है। बहुत बरस हुए, आप में से जो दारुसलाम वाले हैं उनको पता होगा, हमारे दारुसलाम के मेन जमात खाने के पास ही विधवा आश्रम है, विडो हाउस है। इसमें एक बूढ़ी बाई
बहुत बड़ी उम्र की गुजर गई, कोई उसका वाली वारस ना था जमात के सिवाय, सर्टिफाई कर दिया, बाइयां आ गईं, उसको नहलाया धुलाया, कफन दिया, चलो जी जनाजा उठाया, कब्रिस्तान ले गए। ये सारे बात को लगभग 24 घंटे निकल गए, वो गुजर गई और कब्रिस्तान पहुंचाया, इसको 24 घंटे निकल गए। मुख्य केशव जी करसन का जमाना था, ये मैं बात करता हूं 1949 या 50 के। उस वक्त दारुसलाम का जो कब्रिस्तान था वो किनारे दरिया के सामने ही था। चलो कब्र में भाई को उतारा गया, तीन चार लड़के साथ थे अंदर, एक लड़का जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, मुकेश साहब की झीरी आई, उसका पांव हिला। फिर जब मुंह खोल के देखा तो आंखें खुली हैं, हम किधर आई यहां, अरे कब्र में उतारा गया है, अगर कभी एक या दो मिनट निकल जाते तो मिट्टी डालने वाले थे बच्चे। पांव हिला, वो चिल्लाया, मुंह खोला, हम किधर आई यहां, आंखें पटपटाने लगी, बाहर निकाले, वापस लेके आए, 6 महीने और जीवी। अभी ये जो मौत है ना, वो बड़ी रूहानी चीज है। आमतौर पे हम लोग मौत का नाम सुनते डरते हैं, मौत कोई डरने की चीज नहीं है, मौत तो एक नेक्स्ट मुसाफरी की चालू करने का एक रास्ता है। और ये मौत का ख्याल, मौत का प्रोसेस, मौत की फिलॉसफी हमें बैतुल ख्याल में काम आती है। मौत क्या है? इस दुनिया में से हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, और वो लोग के जो इबादत करते हैं, जो लोग के खुदा को याद करते हैं, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, उनके दिल के अंदर रोशनी होती है। गम, फिक्र, डर, भय, खौफ, ऐसी कोई चीज नहीं होती उनके दिल। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजादार फरमाते हैं, हमारा जो मोमन है वो मस्ताना सी की तरह, एक बड़ा जबरदस्त लायन है, सारे जंगल का किंग बादशाह, उसको किसी का खौफ है, उसको कोई डर नहीं। मोमन ऐसा ही दुनिया में घूमता है। हकीकत में मोमन जो है वो जमीन आसमान को अपना समझता है, वो दुनिया को अपनी समझता है, वो आसमान को अपना समझता है, चांद सूरज सितारे खुदा ने जो चीजें बनाई हुई हैं वो ये समझता है कि ये मेरी है। जिस तरह से एक बच्चा अपने बाप की मिल्कत को खुद की मिल्कत मानता है, ऐसा ही मोमन जो है वो सारी खुदाई को अपनी मिल्कत मानता है। और सच बात है, ये खुदा के ये जो बंदे हैं उनको दुनिया की छोटी छोटी रमकड़े की तरह, खिलौनों की तरह चीजें पसंद नहीं। छोटा बच्चा है, उसको खिलौने दो, वो राजी हो जाएगा। यही बेटा 24-25 वर्ष का जवान बन गया, अब उसको एक खिलौना दो तो समझेगा मेरी मस्करी करते। इंसान जब रूहानी हालत के अंदर जवान बन जाता है, समझदार हो जाता है, फरिश्ते उसको सजदा करते हैं। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं आसमान जमीन के अंदर, जो कुदरत की चीजें हैं, वो उसको सलाम करती हैं। और ज्ञान में है कहते हैं देव लोग प्रणाम करें, यानी फरिश्तों का जो आलिम है उस मोमन को सलाम करते हैं और फरिश्ते उतरते हैं। हमारा जो ये इस्माइली तरीका है इस्लाम के अंदर यूनिक तरीका है। हम सूफी हैं लेकिन सूफी कहलाते नहीं, इसलिए नहीं कहलाते कि सूफियों का जो जाहरी सिस्टम है हम उस पर नहीं चलते, लेकिन सूफियों का जो इंटरनल सिस्टम है वो हमारा है। और हकीकत में सूफीज्म मौला मुर्तजाली से चला, अभी का जो इस्लाम के अंदर जो माना गया सूफी तरीका वगैरह, सच पूछो तो हर नबी के जमाने में सूफी पंथा, इसको बोलते हैं मिस्टिक्स, जो सूफी लोग होते हैं उनको आमतौर पर यूं कहा जाता है कि रमुस रयास नियाज, यहाँ नियाज का मतलब ये नियाज नहीं, यहाँ नियाज का मतलब है मेहरबानी खुदा की। तो ये जो तरीके हैं सूफी तरीके है, वो सारी दुनिया में मौजूद है और हर मजहब के अंदर किसी न किसी तरीके से है, लेकिन हमारे तरीके में डिफरेंस ये है
आम सूफी जो है वो दुनिया के अंदर इस तरह रहते हैं कि जैसे अकेले रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं रखते, गुर्बत में गरीबी में रहते हैं, अपने हाथ का कमाया हुआ खाते हैं, लेकिन मस्त हैं। हमारे तरीके के अंदर डिफरेंस ये है कि हम दुनिया और दीन दोनों को साथ रखते हैं, लेकिन दिल हमारा अपने मौला के साथ रहता है। दस्त बकार यानी हाथ से हम काम करते हैं, दिल बयार हाथ से हम काम करते हैं, दिल यार के साथ लगा हुआ है। हमारा तरीका यह है कि हम दुनिया के अंदर दौलत भी कमाते हैं, गरीब भी बनते हैं, अमीर भी बनते हैं, ये चीजें हमारे दिल पे असर नहीं करती। अच्छा खाना मिला है तो भी आमीन, कभी सूखी रोटी मिल गई है तो भी आमीन, ये हमारा तरीका है। इसको गिना कहते हैं। गिना का मतलब ये है बेपरवाही, केयरलेसनेस। यहाँ केयरलेसनेस का मतलब ये नहीं कि एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और वो उसको भुला देवे, नॉट दैट केयरलेसनेस। यहाँ केयरलेसनेस का मतलब है केयर फ्री, परवाह नहीं, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला। सूफीपन का एक बड़ा अच्छा तरीका पीर ने गिनान में पिशमस कहते हैं कि आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, ऐसा ऐसा ध्यान मेरे शास और धरना, ये सूफीपना हमारा है। माल मिल गया मगरूर नहीं हुए, गरीब बैठे हैं तो शिकायत नहीं की, जिस हालत में खुदा ने रखा है तो फिर के वो गिनान में के स्वामी राज जो राखे थे में रही है, ये हालत सूफीपन की है। और हमारा ये जो तरीका इस्माइली मजहब का जो है, ये दुनिया और दीन दोनों को साथ चलाता है, क्योंकि दुनिया खुदा ने बनाई है, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन भी आती है, उनके लिए भी हमें इंतजाम करना है, इसलिए हमें कमाई भी करनी चाहिए। मोमन सच्चा इस्माइली कमाई करता है, मालदार बनता है, दसवंत देता है, मगरूर नहीं बनता, दिल में कोई हसद नहीं, वैर नहीं, अगर कुछ खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो दिल जलाता नहीं, अचानक से नुकसान हो गया हो गया। इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए हमें आराम से बैठ के सोचना चाहिए, क्या मैं इस्माइली मजहब के तरीके के ऊपर सच्चा हूँ, क्या मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं पालता हूँ, क्या मैं दसवंदी हूँ, क्या मैं दुआ बराबर पढ़ता हूँ, क्या मेरे दिल में हसद है। इन तमाम चीजों का अपने दिल को टटोलो कि सच्चा इस्माइली कौन है। न्याज पिए, प्यालियां भर भर के पी सारी जिंदगी पीते रहे, न्याज अली शाह माबा फरमाते हैं काटी मोहल्ले के जमात खाने में, मौलाना अली शाह पीर के जौमे में थे उस वक्त, जब वो पीर के जौमे में थे तो जमात खाने में यूं ही आ जाते थे कहे बगैर। इसलिए मुखी कमड़िया के बीच में, एक साइड में मुखी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कमड़िया, बीच में कुर्सी पड़ी रहती थी। और अली शाह मां बाप बहुत दफा इस तरह भी आए हैं कि जमात दुआ पढ़ रही है और मौलाना अली शाह पीरी जौमे के अंदर जमात खाने में एंटर हुए तो आके जमीन पे बैठ जाते थे जमात के साथ, जब दुआ पूरी हो जाती थी उठ के फिर कुर्सी पे बैठते थे। और ऐसा भी हुआ है कि जमात के साथ पीर अली शाह मां बाप ने खुद ने दुआ पढ़ाई है, लीड की है दुआ, जूनी दुआ। अगर आप में से कोई बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कुछ पुरानी दुआ थी तो वो तकसीदार बंदा सिर तफा गुनेगार, याशा तू बख्शिए बख्शन हार, दुआ तो पीर पढ़े बंदो विनती करे, दुआ पढ़ाना पीर का काम है। और अली शाह मां बाप दुआ पढ़ाया करते थे। वो आदमी जो बैठ के दुआ पढ़ाता है वो उस वक्त पीर के जौमे में है, यानी पीरी जगह पे बैठा है, मुखी ने अमर दे दिया, अब अमर उस आदमी के पास है कि जो दुआ पढ़ा रहा है, मुखी भी उसको फॉलो करते हैं। हमारा सारा स्ट्रक्चर समझने जैसा है, अमर के ऊपर है। तो अली शाह मां बाप आए उस दिन नियाज का दिन था, वो जमाने में जुमेरात को नियाज निकलती थी, थर्सडे नाइट। हकीकत ऐसा सच्चा यही है कि नाइट बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे वो दिन जुमे की रात है, उस दिन हकीकत में नियाज होता है। मुझे पता नहीं है कि ये जुमा कब से चालू हुआ,
मेरी शायद मेरी पैदाइश के पहले हुआ होगा, लेकिन हमारे मजहब के तरीके जो हमें गिनानों में से मिलते हैं, फरमान मिलते हैं, न्याज का जो दिन है वो जुमेरात है। एनीवे मौलाना अली शाह माँ बाप आए, कुर्सी पर बैठे, फरमान किए, स्टोरीज भी सुनाया करते थे। ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि आदमी कभी, मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज है कि मैं बयान करूं तो रो पड़ूं। अली शाह माँ बाप के फरामीन जो है इस तरह से बहुत समझने जैसे हैं। मौलाना अली शाह माँ बाप ने एक प्याली उठाई, जमात को कहते हैं, हे जमात, ये नूर है, यानी न्यास जो है वो नूर है, इसलिए गिनानों में भी लिखा है कि नूर पियो, न्यास नूर है। मौलाना अली शाह कहते हैं कि अगर तुम इसको सच्चे ईमान के साथ हाथ में रख के पहाड़ को कहो कि मेरे पास आ जा, तो वल्ला माउंटेन चल के तुम्हारे पास आएगा। ये न्याज ऐसा है कि जिसका दिल काला है, अगर उसमें ईमान पैदा हो जाए तो न्याज पीने से उसका दिल सफेद हो जाए, क्योंकि ये नूर है। और ये इमाम खुद अपने हाथ से बना के हमें देता है, तो नूर पीने से हमारे अंदर नूर पैदा होता है। ये तमाम चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, वो उसी जगह पे आता हूं वापस, कि हमको बैठ के सोचना चाहिए। सोच विचार से ये चीजें समझ में आती हैं। मौलाना अली शाह माँ बाप के इस फरमान के साथ कि न्याज है वो नूर है, और न्याज अगर पियो सच्चे दिल से तो दिल सफेद हो जाते हैं। यहाँ दिल सफेद होने का मतलब क्या? बदियां बुराइयां निकल जाती है, ये पाक करने जैसी चीज है। मिशनरियों की मेहमानी थी, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सदातार बैठा है, लहरें लिखाता है। वो जमाना है, कभी याद करता हूं तो दिल भर आता है। हर साल मौला आते थे, मिशनरियों की मेहमानी होती थी, हमको एक एक को पूछे, बातें करे, हिदायत करे, वाज के तरीके बताए, जमातों की हालत पूछे, जमातों के लिए फरमान करे। हमारे एक मिशनरी खड़े हुए, जाफर अली अब्जू, उसने चार पांच किताबें लिखी हैं, भलवानी भंडोल का वो राइटर था, खड़ा हुआ हाथ बांध के, जाफर क्या बात है? कैसे मौला, हमारे मिशनरियों के अंदर एक छोटी सी बात चल रही है, आप हमें खुलासा बताओ क्या है। मौला, बहुत से लोग जब भी न्याज की प्याली हाथ में उठाते हैं, क्या मांगते हैं पता नहीं, लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं और पीछे वाले लाइन के अंदर इंतजार करते हैं। या मौला, हमें आप ऐसी दुआ बताओ कि न्याज पीते वक्त हम ऐसी दुआ मांगे कि सारी दुआएं उसमें आ जावे। बाबा फरमाया, जब भी तुम न्याज की प्याली उठाओ, बोलो या मौला मुझको हकीकती समझ दे, हकीकती समझ दे। मैंने अपनी आवाज इसी से उठाई कि हमारे अंदर जो खुदा ने सोच विचार रखा है उससे काम लेना चाहिए। हकीकती समझ अगर आ जाए, सच्ची समझ अगर आ जाए, राइट और रॉन्ग का फर्क आ जाए, बुरा क्या है गुनाह क्या है अगर आ जाए समझ उसकी, अच्छा क्या है नेकी क्या है उसकी समझ आ जाए, हमारी सारी जिंदगी ही बदल जाए और इसके अंदर रूहानियत पैदा हो जाए। रूहानियत पैदा करना ही इस्माइली मजहब का काम है। इस्माइली मजहब ने यह तरीका जो है, जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं, हम सुबह उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, कुछ पानी वानी पी के हाथ मुंह धो के हम अपनी इबादत में बैठते हैं। ये फरिश्तों का काम है और हम सब ने मौला के पास जाके इबादत ली है। इबादत वाले को तो हर वक्त दिल खुला रखना चाहिए, मौला के साथ उसका लेन देन होवे, डायलॉग चलता रहे सारा दिन, या मौला ये बात आ गई, मैं कुछ मुंझा गया हूँ, घबरा गया हूँ, मुझे रास्ता बता,
वो आपको रास्ता बताएगा, या मौला मेरे लिए क्या अच्छा है वो तू बेहतर जानता है, मुझे बता, आप उसके साथ सारा दिन बातें करो। और इस तरह बातें करते 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 मैं आपको सच कहता हूं, एक ऐसा दिन आएगा कि आप उसकी आवाज सुनोगे इन कानों से, अंतर के कानों से नहीं, जाहिर के कानों से भी आप आवाज सुन सकोगे, और आपको ऐसा होगा क्या मौला इधर बैठा है, उसके साथ ताल्लुक पैदा करो। रूमी कहता है कि अल्लाह अल्लाह मी कुनी, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह मी शवी, अल्लाह बन जाओगे। फिर कसम खाता है ई सुखन हक, मैं तुमको सच कहता हूं वल्ला अल्लाह मी शवी, सचमुच खुदा की कसम तुम खुदा बन जाओगे। यहां खुदा बन जाने का मकसद क्या है, हम खुदा तो नहीं बन सकते क्योंकि हमारा बदन जो है मेटीरियल है, लेकिन खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि उठते बैठते उसी की याद में रहेंगे। अब ऐसा आदमी कि जो हर वक्त मौला के साथ ताल्लुक रखा है वो झूठ बोलेगा, बदनजरी करेगा, किसी का माल खाएगा, गुनाह करेगा। मौला नसरुद्दीन मौसा कहते हैं तुम्हारी माँ बैठी है, माँ के बैठे हुए तुम कुछ बुरा काम करोगे? तो ये तरीके हैं, दिल माय देवल पूछिए, अपनी सोच विचार। यहाँ दिल से मतलब ये पंप नहीं जो अंदर चल रहा है, यहाँ दिल से मुराद इंसान का माइंड है। दिल माय देवल पूछिए, माइंड जो है वो तुम्हारे लिए पीर कहते हैं मंदिर है, वो जमात खाना है। हमारा दिल खुदा के नूर से भरा हुआ है। इबादत जो है वो ये रास्ते की है जो इस्माइलियों को मौलाना हजरत इमाम ने रहम करके बख्शिश दी है। दिनदारों इस चीज का लाभ उठाओ कि जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं। वल्ला बिल्ला आप दुनिया के अंदर कभी भी गमगीन नहीं होगे, उदास नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आपको दुनिया में कोई गम लगेगा ही नहीं। मौलाना हजरत इमाम के फरमान में है तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें दुख मिलेंगे, लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। ये इबादत के तरीके हैं, लेकिन हर रोज इबादत होनी चाहिए, सच्चे दिल से इबादत होनी चाहिए। एक घंटा जो इबादत का है 23 आवर्स उसका ध्यान रखो कि मैंने सुबह इबादत की है, मेरे से ऐसा काम ना हो जाए कि रात की मेरी इबादत टूट जावे। बदियां बुराइयां गुनाह हम सब जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, मगर हम लोग टेम्प्टेड हो जाते हैं और दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं, इसलिए हम फिर नुकसान उठाते हैं। मौलाना हज़रत इमाम का जो दीदार है वो आपके दिलों के अंदर मौजूद है। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से गुनाह से बचावे। मौला आपको अपना फरमान बरदार बनावे, वफादार बनावे। मौला रूहानी बख्शिश देवे, मौला हिम्मत और ताकत देवे, आफत बलाएं दूर करे, मौला नेक उम्मीदें पूरी करे, सेहत और तंदुरुस्ती देवे, आला औलाद रोजी रिज़क में मौला बरकत देवे, दीन और दुनिया में पनाह देवे, दीन और दुनिया की नेक उम्मीदें पूरी करे, सुखी आबाद बना। सेकंड सेशन आफ्टर रिफ्रेशमेंट। याली मदद मुखी साहब रजाए, अदा मेरे यहां मैंने आपको आवाज तो की है, लेकिन कुछ बातें और भी कहना चाहता हूं। मजहब का कोई एंड नहीं है, खुदा का कोई एंड नहीं, और मजहब खुदा के साथ लगा हुआ है। मजहब जो है वो इंसान को इतना सुख देता है कि इंसान को पता नहीं इस बात का, दुनिया की मोह में ममता में टेम्पटेशन में हम लोग मजहब को भूल जाते हैं, और मजहब चखा नहीं
इसके लिए उसके स्वाद का पता नहीं, लेकिन अगर मजहब चखा जाए वंस टेस्टेड तो इंसान फिर सब कुछ कुर्बान कर देता है मजहब के लिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद सदातार ने एक छोटी सी स्टोरी बनाई और बड़ी समझने जैसी चीज है। उस वक्त मौला की उम्र 10-12 साल की थी और आपको पता है 8 वर्ष की उम्र में मौलाना सुल्तान मोहम्मद सदातार इमामत पे आए। उस वक्त की फोटो देखो, तख्त नशीनी की फोटो, टोपी पहन के लड़के के रूप में बैठा है और आजू बाजू में दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले, जब्बे वाले बड़े बड़े बूढ़े खड़े हैं, ये बीच में लड़का इमाम बैठा है। हमारा मजहब कैसा है कि ये सब जब्बे पगड़ियों दाढ़ियों वाले हाथ बांध के खड़े हैं लड़के के सामने, मगर वो लड़का नहीं है, इमाम है। नूर का जो संबंध है वो दुनिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है। और इमामत है वो नूर है, पीरी जामा है वो भी नूर है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं एक स्टोरी बयान करूं सुल्तान मोहम्मद शाह की स्टोरी से पहले। मौलाना अली शाह 4 बरस इमाम रहे और 1885 अगस्त की 17 को अली शाह माँ बाप गुजर गए और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुए 17 अगस्त 1885। सुल्तान मोहम्मद शाह 8 वर्ष के थे। उस वक्त अली शाह माँ बाप जब इमाम थे तो पीरी जोमा अपने लड़के को पीर शाहबुद्दीन शाह को दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे पीर शाह का शाहबुद्दीन शाह। और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि उनकी किताब द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, असल पर्शियन में है, जरूर पढ़ो। इनकम्प्लीट है क्योंकि शाहबुद्दीन शाह लिखते थे, 75 पेज हुए तो गुजर गए, तो ये किताब जो है वो कंप्लीट नहीं की आपने। मगर इस्माइली मजहब के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह समझाए। तो अली शाह माँ बाप की उम्र में, उनकी हयाती में पेशाबुद्दीन शाह एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तो पेशाबुद्दीन शाह के एक लड़के थे, क्योंकि इमामत और पीरी जामा जो है डेफिनेटली इमामत जेनरेशन में जाती है, भाई को नहीं जाती, या बेटे को मिले या पोते को मिले जनरेशन में। लेकिन जो पीरी जोमा है वो भाई को जाके वापस आ जाता है या भाई की नस्ल में चले जावे, मगर वो भी वंश परंपरा है। तो पीर शाहबुद्दीन शाह का एक लड़का था आगा अबुल हसन शाह, उनकी 3 महीने की उम्र थी, जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। तो अली शाह माँ बाप ने पीरी जोमा ये 3 महीने के बच्चे को दिया, अभी 3 महीने का बेबी। आप तो मालूम है, आपने सब 3 महीने के बेबीज देखे। सैयद अबुल हसन शाह जब 3 महीने के बेबी थे तो जमात के मुखी कमरिया अमलदार, वो जमाने में काउंसिलर नहीं थी, अग्रेसर थे, 8-10 ये बड़े लोग सरदार जमात के पगड़ियां जब्बे पहन के 2 थाले लिए मेहमानी के, पैरामनी के, तो पीर सलामत को सलाम करने के लिए गए, क्योंकि नवी अपॉइंटमेंट हुई तो जाना चाहिए उनकी बैत के लिए। जिस तरह हम इमाम की बैत करते हैं, हम पीर की भी बैत करते हैं। तो जमात के ये सब बड़े लोग सैयद अबुल हसन शाह के हुजूर में गए, तो बाहर
उनकी जो आया थी वो खड़ी थी, तो उसने कहा कि बेसलम सोए हुए हैं, इसके लिए आप ठहरो झूले में। बेसलम सोए थे 3 महीने थे, बैठे रहे बैठे रहे। कुछ टाइम के बाद दौड़ी आई बाहर कि पी सलामत जागे हैं, अभी तुम आओ। तो ये सब अंदर गए, पहले मुखी थे, मुखी साहब ने हसन भाई नाम था उनका, नमन किया, उसको देख के मुस्कुराए। जब इसने नमन किया तो छोटा सा हाथ उठाया, जब ये हाथ उठाया तो वो और भी नजदीक हुए, फिर हाथ से इशारा किया, इतना नजदीक आया कि छोटा सा हाथ उसकी पगड़ी पे रखा, बोले कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब यह कि मैं दुआ आशीष देता हूं। ये सब जितने 7-8-10 जने थे, सब ने सब नमन किया, पगड़ियों पे हाथ रखे, और वो जो थाले थे उन पे हाथ रखे। 3 महीने के बेबी ने ये जो बातें बनाई, ये क्यों था? पीरी जोमा था, और पीर का जोमा है वो नबी मोहम्मद का नूर है, इमामत का जोमा है वो अली का नूर है। हमें इन चीजों को जानना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि इनका दर्जा क्या है। तो ये जो सैयद अबुल हसन शाह थे, जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत पे आए तो उस वक्त पीरी जोमा सैयद अबुल हसन शाह के पास था। 3 महीने के बाद 6 महीने की उम्र में सैयद अबुल हसन शाह ने वफात पाई, और जो पीरी जोमा था वो सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने पास रख लिया। अब अजर इमाम के पास दोनों जोमे हैं, शाह का भी है पीर का भी है। और जब भी वो तालिका भेजता है तो हजर इमाम लिखते हैं पैटर्नल मैटर्नल ब्लेसिंग्स, पैटर्नल इमामत की, मैटर्नल पीर की जोमे की ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। तो मैंने ये बात इसलिए समझाई कि शरीर की बॉडी की जो एज है उसको नूर के साथ नो कनेक्शन। वो बेबी होते हैं तो भी उसमें नूर मौजूद है, वो इंटेलिजेंट। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जमात खाने में आते थे तो ये एक स्टोरी सुनाई है। जमात सुल्तान मोहम्मद शाह छोटे थे, पर्शियन बोलते थे, कमरिया हाजी उसका ट्रांसलेशन करते थे। है जमात, एक आदमी मुसाफरी पे निकला, ये सारी स्टोरी कलाम इमाम मुबीन फर्स्ट पार्ट में है। मौला फरमाया एक आदमी मुसाफरी पे निकला, वो जमाने में लोग पांव से चल के जाते थे, चलते 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 थक गया, भूख लगी, तो ये ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले कि मैं शेड में बैठ के कुछ खा पी लूं। तो दूर से इसने देखा कि एक दरख्त है, झाड़ है, और उसके ऊपर हनी कॉम्ब लगा हुआ है, मध का पूड़ा लगा है। बहुत खुश हुआ, नजदीक आया तो इसने एक सामान नीचे रखा और ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, मध खाने लगा, मुंह उसने लपेट लिया मधुमक्खी से बचने के लिए। मौला लिखते हैं कि उस बेवकूफ ने आजू बाजू में इधर उधर देखा नहीं कि ये जो दरख्त है वो एक खड्ड के किनारे पे है, एक बड़ी डिच है उसके किनारे पे है, और उस नीचे डिच के अंदर एक ड्रैगन है, वो ऊपर देख रहा है, और आदमी को देख के उसने मुंह खोला। दो चूहे, एक सफेद और एक काला, वो दरख्त के जो रूट्स हैं मूड़िए खा रहे हैं। मौला कहते हैं है जमात, वो मद खाने में ऐसा मस्त रहा कि इसने सोचा नहीं कि मैं किस कंडीशन में हूं। थोड़ी देर में एक हाथी निकला, मस्त हाथी, और उसने इस दरख्त को हिलाना शुरू किया।
वो जो दो रेट्स थे माइस, उनके काटने से मूड़िए वीक हो गए थे। अब जो हाथी ने हिलाया तो झाड़ टूट गया, खड थी ये उसमें गिरा और ड्रैगन के मुंह में चला गया। मौला कहते हैं, हे जमात, तुम समझे इसमें क्या है? लाइफ का जो झाड़ है उसको रात और दिन दो सफेद और काले चूहे, दिन सफेद है रात काली है, वो लाइफ इंसान की जिंदगी को काट रहे हैं। एवरी डे इज लेसन, वी आर लूजिंग एवरी डे फ्रॉम आवर लाइफ। मद है वो दुनिया है, ये जो खड है ये कब्र है, और वो जो ड्रैगन है वो मलकुल मौत है। इस तरह बेवकूफ लोग, मौला कहते हैं, दुनिया के मद में मस्त है, पैसा है, माल दौलत है, बीवी बच्चे हैं, ऐश आराम है, बंगले हैं, मोटर है, भूल गया कि रात और दिन उसकी लाइफ को घटा रहे हैं। एवरी डे वी आर लूजिंग दी स्पैन ऑफ लाइफ। और फिर जो हाथी है वो बीमारियां हैं, ऐसी कोई बीमारी आ जावे कि हाथी वो मस्त हाथी धार को हिलाता है, ऐसा इंसान वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गिर पड़ता है, मौत आती है, कब्र में गिर गया और मलकुल मौत उसको उठा लेता है। मैंने जो आवाज में स्टार्टिंग की कि हमें सोचना चाहिए, हमें थिंक करना चाहिए, दुनिया के लिए भी, दीन के लिए भी, और ये थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ताला ने इंसान को ये बड़ी बख्शिश दी है कि इंसान थिंक कर सकता है, पास्ट के लिए भी रिमेम्बरेंस उसको खुदा ने मेमोरी दी है, और फ्यूचर के लिए भी वो पहले से देख लेता है, प्रीमोनिशन होती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, खराब काम करने से ये रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करने से ये मिलेगा। तो इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी को अगर सोच के निकाले और खुदा के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसके दिल के अंदर एक किस्म का सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आदमी के अंतकरण के, इनसाइड ऑफ मैन, उसकी मेंटल कंडीशन के तीन स्टेजेस बताए हैं। उसको अरबी जबान के अंदर कहते हैं नफ्स। नफ्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैपिटल एस के साथ सेल्फ, सेल्फ मेरा अंतकरण। तो अल्लाह ताला कहता है उसके तीन स्टेज हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना। खाना पीना है, शराब, घूमना, कपड़े लता, यह नफ्स लवामा है, सॉरी नफ्स अम्मारा है। इसके अंदर आदमी मस्त रहता है और बहुत मुश्किल से वो सेकंड स्टेज का ख्याल करता है, नफ्स लवामा का। मगर जब आदमी सोच विचार करता है तो नफ्स लवामा सेकंड स्टेज में जाके वो राइट रॉन्ग की समझ पाता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इंसान की, बल्कि खुदा की सारी खुदाई के अंदर ये दो फोर्सेस जो है ना, राइट एंड रॉन्ग, राइट है वो गॉडली फोर्सेस है, लेफ्ट जो है, रॉन्ग जो है वो डेविलिश फोर्सेस है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, राइट एंड रॉन्ग, इसकी समझ जब आती है तो ये नफ्स लवामा है, यानी वो बदियों बुराइयों से बचता है, खराब काम करने से बचता है, लॉस से बचता है, दुख से बचता है। तो इससे फिर वो ऊपर चढ़ता है। तो तीसरी स्टेज है नफ्स मुतमईना, सेटिस्फाइड सोल, उसके दिल के अंदर एक सुकून, पीस ऑफ माइंड होती है, उसको दुनिया का कोई दुख हिला नहीं सकता। दुख आता है भी जाता है, दुख उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख है एक्चुअली वो हमारे माइंड को टच करता है, हमारे माइंड के भी स्टेजेस हैं।
जब हमको दुख लगता है तो हम रोते हैं, दुखी हो गए, सब्र निकल जाता है, टॉलरेंस निकल जाती है। लेकिन जो सेटिस्फाइड सोल्स हैं उनको दुनिया के दुख गम दुखी नहीं कर सकते। एक बात याद आई, बहुत बरस पहले मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्ता बॉम्बे से पुणे गए। असन अली शाह अली शाह के जमाने के अंदर पुणे में वाड़ी बनाई थी और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी जब भी बॉम्बे आते थे तो थोड़े दिन के लिए पुणे जरूर जाते थे। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी वो जून जुलाई में 2 महीने पुणे रहते थे या महाबलेश्वर रहते थे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह पुणे गए, उस वक्त पुणे में 1000-1200 की जमात थी। वो वाड़ी जो पुरानी थी वो पुराना जमात खराब नहीं रहा, उसको उसकी जगह बड़ा शानदार वाली शान डबल मंजिल का जमात खदा मिल गया। तो मौला आए तो मौला की जो गाड़ी अंदर आई, मुखी कमरिया अमरदार काउंसिल के मेंबर सब खड़े थे, लेफ्ट साइड में जमात खाना था तो ड्राइवर आगे राइट साइड पे, सुल्तान मोहम्मद शाह पीछे लेफ्ट साइड में बैठे थे। और यह था कि जैसे ही मौला की गाड़ी खड़ी हो गए तो मुखी दरवाजा खोले, मौला उतरे, सामने जमात खाने जाए। लेकिन जब गाड़ी खड़ी हुई तो मौला घिसट घिसट के उस तरफ चले गए, ऑपोजिट साइड में। उस तरफ जब गए तो मुखी का मड़िया भागे उधर, मौला का दरवाजा खोला। अभी जमात खाना इधर है लेकिन मौला ऑपोजिट साइड में से उतरे, सब नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी थी। ऐसा देखा तो दूर लगभग 100 यार्ड्स पे इमली का दरख्त था, उसके नीचे एक खालू बदख्शानी हाथ बांधे हुए मौला को देख रहा था, हंस रहा था। उसको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रसी थी, सारे बदन में उंगलियां उसकी गल गई थी। लेप्रसी है बहुत खराब बीमारी है, जिस तरह बर्फ को रखो तो बर्फ कैसे आस्ते 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 गलती रहती है, ऐसा पहले उंगलियां गल जाती हैं पांव की हाथ की, फिर सारा हाथ गल जाता है, सारे बदन में ये रोग लगता है, अंदर कलेजा हार्ट फेफड़े सब आस्ते आस्ते गलते रहते हैं। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका लेप्रसी का इलाज हो सकता है। उसको कोढ़ की बीमारी थी, कोढ़ सफेद है और काले है, दो किस्म का है। व्हाइट कोढ़ जो है वो इतना डेंजरस नहीं, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको बर्बाद कर देता है, तो बड़े बड़े सफेद सफेद चाटे पड़ जाते हैं बदन में, इससे मौत नहीं होती। लेकिन जो काला कोढ़ है वो आदमी की लाइफ को खा जाता है और जगह जगह अंदर से पस निकलती है, पानी निकलता है, सख्त बदबू आती है, कंटेजियस डिजीज है। अगर उसके नजदीक कोई आदमी थोड़े टाइम रहे तो उसको भी पकड़ लेता है। तो ये दूर खड़ा था, सारे बदन कोढ़ से भरा था, जमात खाना छोड़ दिया, दूसरी तरफ उतर के सब उसकी तरफ जाने लगे, सारी जमात देख रही है, मुखी कामड़िया पीछे पीछे हाथ बांधे जा रहे हैं। अब वो देखता है कि मौला आ रहे हैं, ओ हो, ऐसा खुश हुआ, खुशी से नाचे, इतना खुश हो गए, मौला आते रहे वो खुशी से बेचैन होता रहे। थोड़ी दूर जाके मौला खड़े हो गए, सब उसको फारसी में पूछते हैं तू कैसा है, कहते बहुत अच्छा, कोई तकलीफ है, कहते कोई नहीं, सारा बदन कोढ़ से भरा है, दुखता है, शरीर गल रहा है, मौत नजदीक है, वो कहते मुझे कोई दुख नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं, खुदा कोई दुख नहीं, तू कैसा है, खुदा बहुत अच्छा, नाचे हंसे खुशी होने। मौला ने उसको दुआ दी, मौला चले आए, जमात खाने में आके फरमान किया, ये देखो मेरा खालू मुरीद है, कोढ़ की बीमारी है,
लेकिन उसके दिल के अंदर इस चीज का कोई दुख गम नहीं, क्योंकि वो नूर को जानता है। ये है नफ्स मुतमईना जो कुरान में लिखा है, सेटिस्फाइड सोल। वो सेटिस्फाइड है, बदन क्या है, ए लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का तोड़ा। मगर जो रूहानी आदमी होते हैं उनको ये दुनिया के दुख दुख नजर ही नहीं आते हैं, एक नॉर्मल चीज है, बस हो गया। लेकिन हम लोग जो दुनियादार हैं, अलीशा महबूब की याद फिर आई, मौलाना अलीशा जब ये पीरी जामे में थे तो रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे। बॉम्बे में जो वाड़ी थी जिसको हम निस्बत रोड पे आगरा हॉल कहते हैं, यहाँ साहब के बंगले थे। अभी तो मौला ने हुक्म दिया, तोड़ के वहां हॉस्पिटल बनी है, बिल्डिंग सोसाइटियां बन गई। इस तरफ जमातखाना है, राइट साइड में बंगले हैं, लेकिन सेंटर में एक फाउंटेन है, फवारा है, पानी का राउंड सेंटर में फवारा है और पानी का वो निकलता है, उसमें से शावर निकलती है। हजरत इमाम ने कहा कि इसको तोड़ना मत, अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी रेती से उसको भर दिया है, पानी नहीं है। तो अलीशा माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस फाउंटेन के अंदर खड़ा रह गए, कब्र तक पानी में मौलाना अलीशा माँ बाप खड़े रह गए और 5 बजे तक आंख बंद करके 3 घंटे रोज खड़े रहे। फिर जमा था, फिर 5 बजे जब ये बंदगी पूरी हो गए, अलीशा माँ बाप बाहर निकले, बंगले पे जावे, कपड़े बदले और इधर जमात दुरान नियाज गठपाड़ पी ले गए, तो 5:30-6 बजे सारी जमात नीचे आ जावे, जमीन पे बैठ जावे। अलीशा माँ बाप उतरे और ये फाउंटेन की जो दीवार है उधर बैठ जावे और उस वक्त दीदार देवे, दुआशीष देवे। तो लोग फिर दीदार लेके, दुआशीष लेके अपने अपने काम पे जावे। तो एक दिन गर्मी के टाइम में सूरज जल्दी निकल आता था तो बिल्कुल रोशनी हो चुकी थी। अलीशा माँ बाप नीचे आए, वो पहाड़ के ऊपर बैठ के जमात को दुआशीष दी और फिर ऐसा ऊपर देखा। ऊपर जब ही देखा तो सारी जमात ऊपर देखती है, है जमात देखो ये 3 पंछी हैं, 3 बर्ड्स हैं, ये जा रहे हैं, एक के पीछे दूसरे हैं, फॉलो कर रहे हैं 3। मौला कहते हैं ये जो पहला पंछी है उसकी मिसाल है मेरे मोमन की, वो मेरा मोमन है। दूसरा जो है वो दुनिया है और तीसरा है वो दुनियादार है। मेरा मोमन आखबत की तरफ जा रहा है और दुनिया उसके पीछे भागती है, लेकिन वो दुनिया के हाथ नहीं आता। और दुनियादार जो है वो दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ नहीं आती। हम लोग दुनियादार दुनिया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, और खास तौर पे आज की दुनिया के अंदर हमारे अंदर ग्रीड बहुत हो गया है। हर आदमी का एक ही एम है, पैसा बनाओ, लुच्चाई से बनाओ, बदमाशी से बचाओ, फ्रॉड से बनाओ, कुछ भी पैसा बनाओ। फिर पैसे से क्या मिले, एक मर्सिडीज गाड़ी हो गए, 1-1.5 मिलियन का बंगला हो गए, नौकर चाकर हो गए, क्या मिला इसमें? पैसा ज्यादा होने से मेंटल बर्डन बढ़ गया, पैसा ज्यादा होने से माइंड इसमें रह गया कि कहाँ इन्वेस्ट करूं कहाँ न करूं, जरा सा भी नुकसान होता है तो दिल धड़कने लगता है, उसने तो दुख ले लिया पैसा लेके, तो यानी मन की शांति निकल गई और पैसे के अंदर पड़ा रहा। कभी कभी मैं वाजों के अंदर ऐसी पर्सनल बातें भी कर लेता हूं। मैं रोज जाता हूं दरखाना बन्नबी में वैंकूवर के अंदर, ब्यूटीफुल जमात खाना है, इसका पैटर्न भी मौलाना हज़रत इमाम ने खुद ने बनवाया। एक दिन मैंने गाड़ी पार्क की, नीचे उतरा तो एक मर्सिडीज गाड़ी
आई इधर खड़ी हुई, वॉलंटियर को बुलाया, इस सवा $5 मुखी साहब के दे सताड़े जी बख्श्याम नीचा, और फुर फुर करके खुद की गाड़ी लेके चला गया। मैं देखता रहा, मालदार आदमी है, $5.25 क्या है, बात $5.25 की नहीं थी, उसका बिहेवियर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मालदार आदमी है, थोड़ा दुख आया होगा, सतारा बख्शवाने के लिए $5.25 दिए, मेरे को खुद तो आया नहीं, खुद चला गया। अभी ऐसे आदमी का सतारा पूरा होवे नहीं होवे, दीनदार जमात को दुखी करके गया कि जमात खड़े होके उसके लिए दुआ मांगे, खुद चला गया, कहाँ गया, अल्लाह जाने। खुद तकलीफ लेके इबादत करो, बंदगी करो, जमात को दुखी ना करो। वो लोग के जो सतारा बख्शवाते हैं वो जमात को दुखी करते हैं। अपनी तस्बीहां निकालो, ये प्रथा हमारे अंदर नैरोबी से शुरू हुई, आज से कुछ 30 बरस हुए, 25-30 बरस नैरोबी में सतारा चालू था। किसी आदमी को तकलीफ हुई, मुखी साहब को कहा मुझे सतारा डालना है, हमारी हमारे तरीकत में हमारी ट्रेडिशन ये है कि एक सतारा होए तो दूसरा सतारा नहीं हो सकता उसके साथ, अनसिल ये सतारा पूरा होए तो नवा दूसरा सतारा हो सकता है। तो उसने कहा कि मुखी साहब ये मुझे ये तकलीफ है। मुखी बोले ऐसा करो, मैं तुम्हें सतारा बख्श देता हूँ। ये मुखी साहब की भूल थी, उसने एक नई प्रथा डाल के अपने मजहब की ट्रेडिशन को बिगाड़ दिया। वो तो देके चला गया, वो छूट गया, लेकिन मुखी साहब की ये चीज पक्की हो गई। अब सब जगह देखो सतारा बख्शवा लो, सतारा बहुत बड़ी चीज है। एनीवे, मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाना चाहता। तो बात क्या होती है कि सारी जमात को खड़ा होके उस आदमी के लिए दुआ मांगनी पड़ती। वो तो चला गया या घर पर बैठा है, और हम सारी जमात खड़े होके उसके लिए मांगे, ऐसे सताड़े कबूल नहीं होते। इसके लिए इमाम ने हुक्म किया कि बरस में इस सारी दुनिया की जमात में यह हुक्म है कि बरस में 2 सताड़े जमात के डालो। तो जमात में वो बच्चे जो माँ के खोड़े में बैठे हैं, सोए हैं, वो भी शामिल हो गए उसमें। ये सताड़ा उस बच्चे की तरफ से भी है। एवरी इस्माइली, जिस ग्राम की जमात है उस जमात के अंदर हर एक इस्माइली के लिए वो सताड़ा, जो जमात का सताड़ा है, बरस में 2 सताड़े होते हैं। हर इस्माइली फैमिली उसमें अपने घर से कुछ न कुछ मेहमानी लेके आओ, सताड़े में शामिल हो 7 दिन तक। ये दुनिया और दीन की दोनों तरह की दुख तकलीफ मुसीबतें बलाएं दूर करने के लिए है, सारी जमात की तरफ से है। फिर भी ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग जमाती सताड़े के अंदर भी आके कहती है सताड़ा बख्शवा दो। हमारी जमात में इतनी इग्नोरेंस है, 95% कहूं तो भी शायद पूरा नहीं होवे, हार्डली 1-2% इस्माइली हैं कि जो अपने मजहब को जानते हैं। और हमें हमें अपना मजहब जानने के लिए टाइम नहीं है, शौक भी नहीं है। थोड़े थोड़े लोग हैं, अच्छे लोग हमारी जमात में चौकस है, हमारी जमात में अच्छे अच्छे मोमन हैं, हमारी जमात में फरिश्ते जैसे आदमी हैं, लेकिन माइनॉरिटी है, बहुत छोटी माइनॉरिटी। वास्ट मेजोरिटी हमारी जमात की है ना, इग्नोरेंट है, हमें टाइम नहीं है अपने मजहब समझने और जानने के लिए। ए मोमिनो, अपने दुखों के लिए दुख उठाओ, अपने दुखों के लिए दुख उठाओ। मौलाना सुल्तान महमूद शाह फरमाया कि जो दुख है वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, इसलिए कि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाते हैं। रसूल पाक की हदीस में यही है। नबी का एक सुहाबी था, 10 बरस नबी का वो सेक्रेटरी के तौर पे काम किया, उसका नाम था अनस बिन मालिक। वो बीमार हो गया, बुखार आया, बदन तप रहा था, नबी को पता लगा तो हुजूर उसको देखने गए। ए अनस, क्या है? सरकार बुखार है। हुजूर फरमाया शुक्र करो, बुखार जो है वो तुम्हारे गुनाहों को धोने के लिए आया है। हर गुनाह उसकी सजा तो मिलने वाली है, लेकिन खुदा रहम करके छोटी सजा दे देता है।
दुख जो है वो हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन दुख खुदा कभी नहीं देता। एक अच्छा आदमी किसी को दुख नहीं देता, तो वो मौला तो रहीम और करीम है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। हर दुख में अल्लाह कहता है तुम्हारा हाथ, हर दुख में। तो जब दुख आवे तो राजी खुशी से कबूल करो, राजी खुशी से, तो खुदा खुश होता है। मैंने तुम्हें सजा दी तुम उस पर खुश हो गए, खुदा बहुत राजी हो गए, दुख घट जाता है। दुख को कबूल करने से दुख घट जाता है। ये चीज हमारी आत्मा को, हमारी सोल को एनहेंस करती है, ताकत देती है। दुख को कबूल करने से रूहानी शक्ति बढ़ती है, दुख को कबूल करने से गुनाह घट जाते हैं, नेकियां इबादत बढ़ जाती है। दुख को कबूल करने से मौला की फरमान बरदारी है, क्योंकि सजा उसने दी है, हमारे गुनाह की सजा वो जज है, उसने दी है। और अगर हम कबूल कर लेते हैं उसको राजी खुशी से, तो वो खुश होता है, क्योंकि ये भी फरमान बरदारी है। दुख बुरी चीज नहीं, और दुख को कबूल करने से दुख घट जाते हैं। फिर भी अगर हम अपने गुनाहों की माफी भी मांगते रहे तो भी दुख घटते रहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो चीजें पिलर हैं इबादत की, इबादत के दो पिलर्स हैं। एक ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वतुबु अलैह, ऐ मौला तू मेरा रब है, पालनहार है, मेरे गुनाह बख्श दे। दूसरा ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी हालत में आधी रोटी मिली तो भी शुक्र, अच्छी रोटी मिले तो भी शुक्र, नहीं मिले तो भी शुक्र, कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ये रूहानियत है, यही सूफी पनाह है। आवे तो रोजी, नहीं तो रोजा, ऐसा ध्यान मेरे सास उधरना। तो अगर इंसान दुखों को कबूल कर ले, दुखों की माफी मांगे, वो परवरदिगार इतना रहीम है, सारी दुनिया की माओं को इकट्ठा करो और उसके जो प्रेम है, माँ की ममता, उसको एक यूनिट में लेके आओ, तो भी खुदा ताला की रहमपना जो है वो उसके बराबर नहीं हो सकता। खुदा इतना रहीम है, तो खुदा की इस रहमत का लाभ उठाओ, गुनाहों की माफी मांगो, अपने दुखों पर सबर करो, शुक्राना अदा करो, और उसको बोलो या मौला ये मुझे तकलीफ है, मैंने आज सुबह नहीं करा, उससे बातचीत करो, डायलॉग चालू करो उसके साथ, सारा दिन उसको याद करते रहो। फरिश्तों में खुदा बैठा है, कुरान में लिखा है, खुदा ने कहा कि दुनिया में जो लोग मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं, वो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं, वो मुझे एक दफा याद करते हैं मैं उनको 20 दफा याद करता हूं। इमाम सुल्तान मुझसे फरमाया कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओ तो मैं 20 कदम तुमको सामने लेने आऊं। उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, उसका रहम इतना ज्यादा है कि हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। इसलिए कभी खुदा न करे कोई दुख आया तो पहली चीज समझ लो कि मेरी कुछ भूल हो गई, इसलिए बैठ जाओ, असर रसूलुल्लाह के 40 दाने निकालो, या मौला मेरी कुछ जरूर भूल हुई है, तू पाक है, तू दुख नहीं देता, लेकिन मैंने कुछ गुनाह किए हैं कि ये दुख मुझे आया, तू परवरदिगार है, रहीम है, मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, अब मेरी मदद कर, दुख घट जाएगा। एक बात याद रखना, गुनाह हो गया तो वो जीरो तो नहीं बनेगा, गुनाह की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, मगर एक बात हो सकती है कि खुदा 100 का 1 बना देने, 1 पाउंड की सजा 1 पेनी में बन जावे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन गुनाह की सजा तो है ही, ये लॉ ऑफ कर्मा जो है सारी खुदा की क्रिएशन के अंदर मौजूद है, कुछ भी काम करेंगे उसकी सजा है। मैंने अगर किसी आदमी को देख के अपने दिल में बदमाश, ये है ये चीज भी गुनाह में लिखी गई, छोटी से छोटी चीज। अल्लाह कहता है कि मस्टर्ड सीड, राई के दाने जितनी भी तुमने
नेकी की है तो बर्बाद नहीं होगी, राई के दाने जितना भी तुमने गुनाह किया है वो भी बर्बाद नहीं होगा, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। किसी के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल ना करो, किसी की गैर हाजिरी में उसकी गीबत ना करो, बुरा मत बोलो, किसी को अपने से नीचा मत समझो, किसी के लिए भी अपने दिल में बुराई नहीं होनी चाहिए, और अपने जीवन को पाक बनाने की कोशिश करो, मौला मददगार बनेगा। मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह 82 इयर्स की मेरी एज है, मैं 69-70 इयर्स से वाजें करता हूँ, हजारों भाइयों को मिला हूँ, इस्माइलियों को भी मिला हूँ, नॉन इस्माइलीज को भी मिला हूँ, हजारों फैमिलीज मेरे सामने मेरी याद में मेरी मेमोरी में है। मैं सारी दुनिया में घूमता रहा हूँ, दिनदारों में आपको सच कहता हूँ, हमारी जमात, मैं दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन हमारी जमात में मोस्टली लोग जो है बेदरकार हैं, बेदरकार हैं, और हम दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, जमात खाने आते हैं बैठे रहते हैं। मेरी तो बैठक मौला की रहमत से मुखी कमलिया के इर्द गिर्द होती है, पहली लाइन में। मेरी मोस्टली आदत है मैं दुआ में आंखें बंद कर लेता हूँ, उधर देखता हूँ जहाँ सजदा करता हूँ। ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि नमाज में अपनी नजरें जिधर सजदा करते हो ना उस जगह रखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन जब गिनान होते हैं, फरमान होते हैं, तो मैं जमात को देखता भी हूँ। जमात में ऐसे लोग बस बैठे रहते हैं, बदन इधर है लेकिन मन बाहर है। कई लोग पंजा तक नहीं देते, सजदे नहीं करते, इसलिए नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए मैं दुआ मांग के कहता हूँ कि मौला उनका ईमान ज्यादा करे, अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग दुआ में ध्यान नहीं देते, बैठे रहते। अब ये चीजें जो मैं आपको सुपरफ्लूअस चीजें हैं रूहानियत के नजर से, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमको बैतुल ख्याल में अड़चन पैदा करती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। हमारी दुनिया, हमारी शरीयत, हमारी नॉर्मल लाइफ पूरी होनी चाहिए। इबादत कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी आला दर्जे की चीज है। ये रास्ता पैगंबरों का, नबियों का रास्ता है, जो रास्ता मौला ने हमें दिया है कि इसकी इबादत में तुम बैठो। ये साधुपना है, ये ऋषि मुनि का काम है, ये पैगंबरों का काम है, ये काम हमको मिला। तो अगर हमारी दुनिया अच्छी नहीं, अगर हमारे कैरेक्टर अच्छा नहीं, आमाल अच्छे नहीं, एथिक्स नहीं, मॉरलिटी नहीं, तो सुबह इबादत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा दिल पाक होना चाहिए। मैं कभी कभी जमात में कहता हूँ कि दिल एक कुर्सी है, हम वाला को कहते हैं इसमें आके बैठ, लेकिन हमने इस कुर्सी के ऊपर दुनिया रखी हुई है, माल दौलत रखी हुई है, ऐश आराम रखा हुआ है। कुर्सी खाली करो तो मौला आके बैठे ना, दुनिया की मोहब्बत निकाल के कुर्सी खाली हो जाए तो मौला इस जगह आके बैठता है। सुबह की इबादत के लिए सारा दिन इस चीज का ख्याल रहे कि ऐसा काम ना करूं कि रात को परोड़िए मुझे इबादत में खलल हो गए। दरसुन हमारी बराबर होनी चाहिए, अमल हमारे अच्छे होने चाहिए, दुआ हम बराबर पढ़ते होंगे, किसी का बुरा ना करें। ये सब चीजें हम जानते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। ए मोमिनों, जो कुछ मुझे कहना था मैंने आपको कहा, आपने बहुत अच्छी तरह मेरी बातें सुनी, मैं खुश हुआ। मैं हजर इमाम का दाई हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मुझे उसने खुद ने मिशनरी बनने के लिए हुक्म किया। मैं अपनी इस हालत में सच्चे दिल से मौला के पास आपके लिए, आपकी आल औलाद के लिए दुआ मांगता हूं। मौला हर हालत में, हर हालत में जमीन आसमान की बलाए आफतें दूर रखे, ईमान की सलामती दे, ईमान को दुरुस्त रखे, दसवंत में पूरा रखे। सुकरीत कहते हैं अमाल को मौला उसमें पाक रखे।
और औलाद को सच्चा मोमन बनाए, रोजी रोजगार में बरकत देवे, हक हलाल की रोजी देवे, इज्जत आबरू ज्यादा करे, तंदुरुस्ती देवे, कुटुंब कबीले में जमातों में सुख शांति सलाह सम मोहब्बत देवे, बोला आपकी हर नेक उम्मीद को पूरा करे, हर रोज ईमान बढ़ता रहे, आपकी दुआएं कबूल होवे, आप पे रहमतें ज्यादा होवे, मौला आपको रूहानी बख्शिश देवे, मौला हमेशा आपके ऊपर राशि देवे, सुखी आबाद रहो।